और काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग नहीं आए, तो आप लोग भी बोल रहे होंगे ब्लॉग नहीं डालता टाइम टाइम पे। तो दरअसल में बात ये थी कि लक्की हो गया था बीमार, और बीमार होने के बाद मतलब 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। तो तीसरे दिन में फिर मैंने बोला कि चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो मतलब उसको बीमारी पार्वो वायरस हो गया था, तो मुझे ये बाद में पता चला जब हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। आप ब्लॉग देखोगे तो समझ जाओगे, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। दादी कह रही है ये काटते नहीं है, ये हमारे पालतू मधुमक्खी है। बल एक मुख फिर बल गीच लोगो बल बल मी दगड़ सिंथी बलो दादू नहीं भाई वो जब काटेंगे ना दादी तो तब बढ़िया से काटेंगे सब मिलके। हाँ और हाँ आधे यहाँ चिपक गए, तो यहाँ पे लगाएंगे ये शायद मधुमक्खिया, ये हिमा के लिए लगाएंगे राधे वहाँ चिपके। मैं देखो ये धनिया कर रहे हैं, दादी बिरा रही है। सुंदर दिखे नीचे ये देखे आज हो रही है लक्की की तबीयत खराब बहुत ही ज्यादा। 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया और इसका पेट हो गया एकदम खाली खाली, बहुत ही कमजोर हो गया है पहले से। हाँ चल भी नहीं पा रहा सही से। तो आज मैं और सूरज जाएंगे हम इसको डॉक्टर में दिखाने। तो यहाँ पे आए थे डॉक्टर के पास, तो यहाँ पे ना 3-4 लोग गिर गया सुबह सुबह में, तो सूरज भाई ने यहाँ पे रास्ता बना दिया। तो एक लाइक सूरज भाई के लिए तो बनता ही है, एक लाइक। तो मैं गया था डॉग के लिए दवाई लेने के लिए, और दवाई लेके आ गया नीचे मार्केट से। पर यहाँ पे डॉक्टर साहब और सूरज भाई काम कर रहे हैं दोनों, कामचोर है मेहनत नहीं करना चाहता। हाँ ये सही कह रहे हो। हाँ लेकिन हमको नहीं, दिल्ली में बर्तन मारेंगे हम। हाँ ना अपने घर में, ना अपने घर में तो उस दिन शेटी बन के आएंगे हम। ये भी सही कह रहे हो। तो ये काम भी बहुत बढ़िया कर दिया आपने। अरे यार समाज सेवा कर दी। समाज सेवा नहीं है ये, मेरे धोखा है। धोखा ऐसा ठहरा। तो ये देखो ट्रक वगैरह ये सारे बड़े बड़े गाड़िया आ रही है। और इसको लगा रखा है यहाँ पे इंजेक्शन, ग्लूकोज चल रहा है इसे। इसने अभी डॉक्टर साहब को काट दिया था फिर उन्होंने पट्टी बांधी मुंह पे, तो अभी थोड़ा ठीक है, चुप है अभी। तो डॉक्टर साहब हमारे पहले आर्मी में थे। अच्छा इनकी सेंटर एमसीटी मऊ। पैराग्लाइडिंग की है ये है। अरे गजब। मैं एसडीएम भी बन सकता हूँ, इसमें लिखा है पूरा, पढ़ तो एसडीएम भी। हाँ, मेरे पास इतनी एजुकेशन मिली है वहाँ से, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। हाँ ग्रेजुएशन दी आपने मैंने फौज से की थी, कमांडो का दे दिया मैंने उसे। तो डॉक्टर साहब हमारे पहले कमांडो भी रहे हैं। आप ये है, अब जिस हिसाब से आपको लग रहे होंगे उस हिसाब से आप यकीन नहीं कर सकते, जिस हिसाब से अभी एज हो गई है। ये तो यार वैसे तो 58 साल हो गई, अब मेरे से गाय बच्चे नहीं पकड़ी जाती हैं। अच्छा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वैसे रहने वाले कहाँ के आप? हल्द्वानी नैनीताल। अच्छा हल्द्वानी नैनीताल। आप तो कुमाऊँ रीजन में थे कि एएमसी में थे? हमारे पास घोड़े खच्चर ये कुत्ते बिल्ली, तुम्हारे भी कुत्ता होगा यार एक हमारे। पर हमारे का भी ऐसे मतलब देखो ट्रेनिंग करके टच में नहीं रहे तो। तुम्हारे तो कितने गढ़वाल के मेरे पास। तो आप एसडीएम क्यों नहीं बनते? जा रहे हैं मेरठ जा रहे हैं यार एसडीएम पढ़ने के लिए, पढ़ाई नहीं। मैं उस समय का इंटर पास था रहा। अच्छा मैं मेरठ तो जा। तो अभी बज चुके हैं 12:30 भाई साहब, तो उसको भी दवाई वगैरह चढ़ा दी। तो अभी आए थे हम मार्केट में, तो 1 बजे जाएंगे यहाँ से घूम घाम के।
तो भूख भी लगी, अभी खाते हम चाउमीन। ये देखो इसकी कुल्फी में फेविक्विक चिपक गई। सच में चिपक गई क्या? सच में चिपक गई भाई, ये बहुत तेज चिपक रही है, बहुत ठंडी है। तो मजे आ गए भाई सराय खेत में भी। लास्ट पर ये इनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा है ना, तो इसके जीभ में चिपक गई। दोनों फौजी साहब मिल गए आज है ना। अब इसको लेके चलते हैं। और जरा चाय पानी बनाते हैं, थोड़ा आज मौसम भी खराब हो रहा है। तो चाय भी बन गई दगड़े, चाय पी जाओ एकदम बढ़िया वाली। तो ये ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, तीन आज चार दिन हो गए इसने कुछ नहीं खाया। तीन चार बहुत पतला हो गया ये देखो, इसका पेट ही अंदर चली गया। और पहले कितना मोटा था ये, चुप हो रहा है, ये ऐसे चुप सो जा रहा है। तो जब मैं सुबह अगले दिन उठा तो सुबह सुबह देखा तो लक्की मर गया था, शायद नाइट में ही मर गया था, एकदम ठंडा सा हो रखा था। तो ये देख के काफ़ी बुरा लगा, लक्की को हम तब लेके आए थे जब वो बहुत छोटा था, उसकी आंखें वगैरह भी नहीं खुली थी, तो मतलब बहुत ही बेकार भी लगा। और इससे भी पहले हमने एक डॉग और पाला था, ये लक्की था, और इससे पहले रैम्बो था, तो उसको भी सेम यही बीमारी आई थी और ध्यान से निकल गया था। अगर जो मुझे पता होता तो हम इलाज वगैरह कराते, तो वैक्सीन वगैरह पहले से ही मंगवा लेते या लगा लेते, तो बाद में पता चला। और आप भी अपने डॉगों को सेफ रखें, और आजकल बीमारी वगैरह चली रही है, इन 2-3 महीनों में बीमारी रहती रहती है, और ये पिछले साल भी इसी महीने में आई थी, और इस बार भी सेम उसी टाइम पे ये बीमारी आई है। तो सबसे पहले इसके लक्षण यही है कि स्टार्टिंग में तो डॉग एकदम आपका सुस्त पड़ जा रहा है, तो जैसे ही हमने देखा ना तो लक्की एकदम सुस्त हो गया था, तो एकदम कोने में जाके बैठ जा रहा है। फिर धीरे धीरे करके वो एक दो दिन बाद फिर मतलब, या फिर उल्टी कर रहे हैं, वो वॉमिटिंग कर रहे हैं, और वॉमिटिंग धीरे धीरे करके ये बीमारी बढ़ रही है, और वॉमिटिंग करते जा रहे हैं और ज़्यादा, और खाना पीना कुछ नहीं खा रहे, और जो भी पानी पी रहे तो बिल्कुल उसको निकाल दे रहे हैं, उल्टी कर दे रहे हैं, वॉमिटिंग कर दे रहे हैं। और धीरे धीरे करके फिर लक्षण बढ़ रहे हैं, तो फिर किसी किसी के जिन डॉगों को कुछ ज़्यादा ही हो गया तो उनके वॉमिटिंग में ब्लड भी आ रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जा रही है उनकी, तो उनके पोटी में भी एकदम ब्लड आ रहा है। तो अपने डॉगों को सेफ और सिक्योर रखें, ज़्यादा इधर उधर डॉगों से ना मिलने दें इन दिनों, क्योंकि इन दिनों में जो ये बीमारी चली रही है, और यहाँ पे इसका प्रॉपर इलाज भी नहीं है, वैक्सीनेशन भी यहाँ पे इसकी आई नहीं है अभी, और खुद ही डॉक्टर बोल रहे थे इसकी 1000 रुपये की तकरीबन कॉस्ट है वैक्सीनेशन की, और जो कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, यहाँ मिलेगी भी नहीं। वो कह रहे थे कि ये शायद रामनगर या उससे आगे मिलेगी, तो इस एरिया में तो थी भी नहीं, यहाँ से काफ़ी दूर मतलब। और जब तक अगले दिन हुआ मैंने सोचा कि अगले दिन चलो मंगवा लेंगे, पर जब अगले दिन सुबह मैं नींद खुली देखा तो फिर तब मर गया था, तकरीबन 4थे या 5वें दिन में मर गया था। तो इस वजह से मतलब काफ़ी बुरा भी लगा, एक तो हम उसे काफ़ी छोटे से पाल रहे हैं जब वो बहुत छोटा था, तो इस वजह से थोड़ा मुझे अजीब सा लगा यार, हम इतने छोटे से पाल रहे। फिर तब मैं थोड़ा मूड भी थोड़ा अजीब सा हो गया था, तो फिर ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहे थे। तो इस वीडियो को करते दोस्तों यहीं पर ही एंड।